अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं चलता लेकर आ गई हूँ आपके साथ, जिसके अचार बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोगों के साथ मैं यही शेयर करने वाली हूँ आज चलते की अचार, वो भी गुड़ के साथ। तो चलिए, चलते को पहले लेते हैं, धोकर साफ कर लीजिए। मैंने दो चलते लिया है। इसके बाद आप इसे काट, अब चलते को छोटे छोटे पीसेस करके काट लीजिए। बहुत सावधानी के साथ करना, ये बहुत पिछलता है और बहुत ज़्यादा ये टाइट भी रहता है, जिसे काटने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सावधानी के साथ काटिए आप लोग। तो उसके बाद मैंने एक तरफ पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, जो थोड़ा गर्म हो गया है। देखिए, इसको गर्म करने के लिए रख दिया था थोड़ी देर पहले, अभी गर्म हो चुका था। तो इसमें मैं, आप पानी गर्म होने के बाद आप लोग इसमें चलते को डाल दीजिएगा दीजिएगा उसके बाद इसमें डालिएगा। धीरे धीरे सारे चलते को उसमें डाल दीजिए गर्म पानी में। इससे ये बॉयल हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो इसे सारे चलते मैंने डाल दिए हैं ये बॉयल होने के लिए। इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, इससे कलर आएगा थोड़ा। और नमक, थोड़ी सी नमक दे दीजिए। हल्दी और नमक डालकर इसे बॉईल करने के लिए रख दीजिए, ताकि इससे कलर और नमक जो है जो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। तो 10-15 मिनट तक इसे हम बॉईल होने देते हैं। मैंने इसे बॉईल कर लिया है, देखिए 10-15 मिनट बाद ये बहुत काफ़ी अच्छी तरह बॉईल भी हो चुका है। और इसे अब आप इसे निकाल लीजिए, इसे निकाल कर देखिए। दोस्तों याद रखना, इसे निकाल कर अभी कुछ भी पकड़ना नहीं, इसको पहले धूप में अच्छे से सुखाएंगे। आप फैन के नीचे भी सुखा सकते, बस इसका पानी जो है बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह सूख जाना चाहिए। तो इसे छान लीजिए पहले अच्छे से। देखिए मैं कैसे छान रही हूँ। दोस्तों इसका अचार बहुत ही टेस्टी होता है, तो छान लीजिए पहले। छान कर इसे धूप में दे दीजिए। धूप में सुखाने के बाद इसे एक तरफ मसाले अपने तैयार कर लीजिए। मिर्ची ले लीजिए, ये जीरा है, राई है, मेथी है, सौंफ है। तो आप इसे हल्का सा भूनना पड़ेगा, हल्का सा कलर आने तक इसे गर्म कढ़ाई में हम लोग इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम लोग इसे मिक्सी जार में डालकर इसको मिक्स पीस लेंगे, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे पूरा। आप कढ़ाई में तेल गर्म कीजिए, उसमें 5 फोड़न दीजिए। 5 फोड़न में होगा मेथी, सौंफ, जीरा, मंगरल और अजवाइन, ये सब 5 फोड़न हो सकते हैं, 5 फोड़न में लीजिए आप। उसके बाद आप इसे फोड़न को जला लीजिए अच्छे से, रेड हो जाए, पूरा ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसमें आप सारे चलते को डालना। तो इसे देखिए मैं थोड़ी भून रही हूँ, उसके बाद आप इसमें चलते को डालना। फ़ौरन अब तैयार हो गए, ब्राउन हो गए, अब इसमें मैं चलते डालूँगी। देखिए चलते को डालिए और हल्का हल्का चलाते रहिए, पूरी चलते को अच्छे से डाल दीजिए और चलाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए। दोस्तों अगर मेरे ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसे आप लोगों ने क्या इसका अच्छा टेस्ट किया है, अगर किया है तो ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा ये रेसिपी। प्लीज़ पहले थोड़ा सा हल्दी दीजिए चुटकी भर, और धनिया दीजिए, फिर आप इसमें नमक दीजिए, अब थोड़ा हल्का सा इसको चला लीजिए, सारे सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद आप इसमें डालिए जो मसाले मैंने ग्राइंड किया था, उन सारे मसालों को इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से हल्का हल्का चलाइए, और लो फ्लेम होना चाहिए, बिल्कुल तेज आंच नहीं होना चाहिए। उसके बाद काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा काला नमक डालिए उसमें। अब आप एक
छोटी सी कटोरी लेके उसमें गुड़ लीजिए और गुड़ को डाल दीजिए। गुड़ को डाल के आप इसमें हल्का हल्का बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस को रखना है दोस्तों, ये याद रखना, तभी गुड़ इसमें मेल्ट होगा अच्छे से। तो हल्का हल्का गुड़ को चलाइए आप, गुड़ को फोड़िए भी अच्छी तरह से, काट कर भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए बस। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब दोस्तों अब इसमें आप एन मोमेंट पर जो आप गुल मिर्च जो होता है काली मिर्च, इसको पीस कर इसमें डाल दीजिए, उससे टेस्ट जो हल्का खट्टा मीठा आता है और तीखा भी आता है थोड़ा। तो इसमें डालकर अच्छे से चलाइए, मिला लीजिए इसको, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद काला नमक थोड़ा दीजिए, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों अब इसमें हम थोड़ा विनेगर डालेंगे, इससे ये ख़राब नहीं होगा। देखिए हल्का हल्का चलाते रहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है दोस्तों, ध्यान रखना। गुड़ जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है, देखिए चलाते रहना है इसको। गुड़ और चलते को देखिए काफ़ी अच्छी तरह खुद में ही मेल्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा रंग आ रहा है, बहुत टेस्टी भी लग रहा है ना दोस्तों। तो इसे आप चलाते रहिए, अभी इसका कलर और भी अच्छा है, देखते रहिए। अच्छे से चला लीजिए इसको, बहुत अच्छा हो गया इसका कलर। और इसमें ऐसे आप 6 महीने तक खा सकते हैं, धूप में दिखा लीजिए, धूप में दिखाइए, रोज दिखाइए अच्छे से, 1-2 घंटे धूप में दे दीजिएगा तो इसका टेस्ट और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। बिल्कुल रेडी है, अब हम इसमें थोड़ी सी सौंफ मिलाएंगे, इससे इसका खुशबू का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम सौंफ को मिला लेंगे, इसमें डाल दीजिए, डालकर मिला लेंगे। देखिए अचार का रंग बहुत ही अच्छा आया हुआ है, इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब अचार बिल्कुल रेडी, इसे आप कभी भी पूरी पराठे के साथ लेकर खाइए।